Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 13 जून की शाम आला अफसरों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगलवार और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होना है। जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम भी होने हैं। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन व प्रशासन 24 घंटे सतर्क व सक्रिय रहने की आवश्यकता है। लगभग 3 महीने बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने त्योहारों को लेकर देखते हुए अलग अलग दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आने वाले पर्वों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से ही चिन्हित करें और तय स्थल पर ही कुर्बानी हो। सीएम योगी ने साफ कहा कि कहीं सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। कुर्बानी के बाद अवशिष्ट के निस्तारण की भी पूरी जांच सुनिश्चित हो। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। सीएम ने बताया कि शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर भी नजर रखी जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार पर होने वाले भंडारों के दौरान प्रसाद खाकर अपशिष्ट सड़क किनारे न फेंके जाए। हर भंडारा स्थल पर कूड़ादान रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की तो वीवीआईपी कल्चर पर भी कड़ी नाराजगी जताई। वाहन सरकारी हो या निजी, प्रेशर हॉर्न व हूटर का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं हूटर और प्रेशर हॉर्न का दुरुपयोग पकड़े जाने पर संबंधित एसओ के साथ ही एसपी के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी।